प्रॉपर्टी से न्यू फाइलम प्लेटी एलिमेंटीज और जो एनिमल हैं उनके हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यू होंगे। पहले यहाँ पर डिजेसिया जो प्लेन एरिया और यू प्लेन एरिया भी कहते हैं इसे, और उसके बाद फैसिओला और लीवर फ्लूक। फैसिओला यानी द सीप और लीवर फ्लूक एंड टीनिया सोलिया द पॉर्क टेप बम। तो यहाँ पर जो तीन एनिमल हैं इनके हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यू होंगे एनिमल वाइज, कुछ डिटेल भी होगी। और तो पहले हम शुरू करते हैं डुजेसिया से, जो कि फाइलम प्लेटी एलिमेंटीज का एनिमल है। डुजेसिया फैसिओला एंड टीनिया, फाइलम प्लेटी एलिमेंटीज इंक्लूड द प्रिमिटिव बायलेटरी सिमेट्रिकल एंड द आसिलोमेट एनिमल है यहाँ पर इसमें। और जो कि प्लेटी एलिमेंटीज, प्लेटी मीन्स प्लेट, एलिमेंटीज मीन बार, दे सोलो दे सो मैनी फाइलोजेनेटिक्स एडवेंट्स अगर द सिलेक्टेड एंड टीनोफोरा। और टिशू ऑर्गेनाइल यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका है प्लेटी एलिमेंटीज एनिमल का, जो कि टिशू ऑर्गन लेवल होता है सिलेंटेड की तरह। टुबलेरिया इनके द फ्री एनिमल प्लेनियंस, टुबलेरिया यहाँ पर प्लेनिया को कहते हैं। वेयर द टू क्लासेस एक्चुअली ट्रेमेटोडा एंड सेटोडा, सेटोडा यहाँ पर और ट्रेमेटोडा, सेटोडा में टीनिया आता है, ट्रेमेटोडा में यहाँ पर फैसिओला आता है, जो कि इनक्लेड फ्लक एंड क्लासिटोडा टेबाम। ट्रेमेटोडा यानी जो लीवर फ्लूक है और सेटोडा यानी टीनिया। ट्रेमेटोड सेटोड हैविंग द अंडरगोज पैरासिटिक अडेप्टेशन बेसिक प्लेन ऑफ द प्लेटीलमेंटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सिबिटेड बाई द टुबलेरियंस, कॉमनली स्टडी द टुबलेरियंस बाई द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जो यहाँ पर कॉमन स्टडी है टुबलेरियन की, जो कि बी एस सी में जो बच्चे पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर बिलोंग टू द जीन डुजेसिया, डुजेसिया के एनिमल को। फॉलोइंग अकाउंट मोस्टली रिलेटेड टू डुजेसिया और टिग्रीना, जो स्पीसीज है यहाँ पर टिग्रीना की है, जीनस डुजेसिया। कॉमन नेम इसका प्लेनेरिया मैकुलेटा है, बट अकाउंट इज सफिशिएंटली जनरल अप्लाई स्पीसीज एलाइड जेनरा सच एज प्लेनेरिया, यूफिलेरिया एंड पॉलीसिफेंस, पॉलीसिलिस डेंड्रोकोलिन डेंड्रोसीलम। तो यहाँ पर इसका कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन डिजे दिया क्या, फाइलम प्लेटी एलिमेंटीज है और क्लास टुबलेरिया है यहाँ पर, ऑस्टीनिया का यहाँ पर सिट्टू और टेमेटोडा, टीनिया का क्लास टिनमोटोडा होता है और वो टीनिया का सिट्टोडा होता है, और फाइलो वो प्लेटी एलिमेंटीज का टेमेटोडा होता है क्लास। ऑर्डर टुबलेरियन है और ट्राइकिल ट्राइकेलिडा ट्राइके और डाइडा, सब ऑर्डर यहाँ पर प्लेरो पैल्यू पैलूस डी कोला, फैमिली यहाँ पर प्लेनिडी और जीनस डुजेसिया, स्पीसी टिग्रीना, जो कि मेडक की है, जो फ्रोक की है वही। डुजेसिया कॉमनली फ्रेश वाटर पॉन्ड लेक स्ट्रीम एंड सेलो रिवर्स आर कोल्ड रनिंग वाटर। डुजेसिया यहाँ पर कोल्ड, यहाँ पर इतनी जगह पाया जाता है पॉन्ड में, फ्रेश वाटर रिवर्स एंड रनिंग वाटर्स। इट प्रेफर द कीप्ट बॉटम वेयर इट द फाउंड रेटिंग ऑफ ग्लीडिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ स्टोन एंड द एक्वाटिक लीव्स। प्लेनेरिया द ग्रेगियाउस, प्लेनेरिया ग्रेगियाउस दे आर लिव द ग्रुप्स, ग्रुप में रहती हैं यहाँ पर, और दे आर द कर्निवोरस एक्सट्रेसली कैनिबिलिस्टिक कैनिबिलिस्टिक होती है यहाँ पर। बायोलेटरी सिमेट्रिकली होती है बॉडी इसकी, और यहाँ पर हाईली फ्लेटेड होता है और इलोंगेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, हाईली फ्लेटेड इलोंगेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बॉर्डर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड मेजर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। बॉडी वॉल स्लिमी, यहाँ डायग्राम है प्लेनेरिया का।
टू आईज पाई जाती हैं, ये ए आर इक्वल्स है डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल है, यहाँ पर माउथ बीच में पाया जाता है इसका, सीलिएटेड जोन ही, अधेसिव जोन, फेरिंजियल पाउच, गोनोस्पोर। ये ओपनिंग यहाँ पर है पेरिनिक्स की। इसमें सीलिया पाए जाते हैं और स्पॉट आई होती हैं जो लेटरली इधर आइदर साइड ऑन स्मॉल प्रोजेक्शन, दोनों साइड में स्मॉल प्रोजेक्शन की तरह होती हैं, जो अभी बाहर प्रोजेक्शन में तो बॉडी थोड़ा बाहर निकली होती है। सीलिया आज फाइन लाइक हेयर लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ओपनिंग, सीलिया जो है यहाँ पर हेयर लाइक टेक्चर है जो कि कवरिंग इन द बेंटर सरफेस, बॉडी हावेयर सैलो और नैरो स्ट्रिप ऑल द अलोंग द मैरिजन ऑफ द बेंटल सरफेस, नॉन सीलिएटेड अधेसिव इज फंक्शंस, इट इज नाउन एज अधेसिव जोन। उसकी कवरिंग सरफेस पर यहाँ पर वो हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं, लोकोमोटरी टेक्चर कवरिंग होते हैं, बेंटर सरफेस पाए जाते हैं, हाउ एवर नैरो स्ट्रिप मार्जिन वेंट्रल। तो हम सीधे फैक्ट पर चल रहे हैं, जेनाइटल पोर या गोनोपोर कहते हैं, एनएस इज प्रोबोसिस, एनएस अब्सेंट होता है इसमें भी। यहाँ पर रीजनरेशन पावर दिखाई गई है, एक प्लेन एरिया है जो कि इसके तीन टुकड़े किए गए हैं, तो यहाँ पर तीनों टुकड़ों में रीजनरेशन पावर दिखाई गई है। यहाँ पर जो इस तरह से काटें तो यहाँ पर दूसरा एनिमल बनते जाता है। यहाँ पर रीजनरेशन प्लेन एरिया में जो कि थ्री इंडिविजुअल रीजनरेट इंडिविजुअल कट इनटू द थ्री पीस, एक इंडिविजुअल को तीन टुकड़े में काट दिया गया है, यहाँ पर तीनों एक न्यू प्लेन एरिया में डेवलप हो गए। रोजेशिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल असेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द अपेयर्स ऑफ कंट्रक्शन बिहाइंड द पेरिनिक्स, इट ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड फाइनली डिवाइड इन द एनिमल इंटू टू पार्ट ईच ऑफ विच रीजनरेट ड्यू टू द वेंट्रल स्ट्रक्चर, दिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्मिनेट ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द प्रेजेंट एंड सेम इंडिविजुअल यानी हर्मापोडाइट है, एनिमल आर मेनोसिस बाय सेक्सुअल एनिमल, बोथ मेल एंड फीमेल गो नॉट ओपन इन टू द कॉमन चैम्बर्स जेनाइटल आरटीएम्स। यहाँ पर ट्रांसवर बाइनरी फिशन का ये इमेज है, यहाँ पर डाइग्राम, ये ट्रांसवर बाइनरी फिशन और बाइनरी फिशन सारे असेक्सुअल मोड हैं प्लेन एरिया के। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट है क्योंकि लार्वा स्टेज नहीं इसमें पाई जाती है। प्लेनेरियन पोसेस ए ट्रेमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन, इफ द कट क्रॉस इनटू टू थ्री और मोर पार्ट ईच पार्ट रीजनरेट इनटू द कंप्लीट एंड नॉर्मल इंडिविजुअल। यहाँ पर रीजनरेशन थस इन्वॉल्व द टू कंप्लीटरी प्रोसेस। प्लेनेरिया हैव एक्स्ट्रा पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियोब्लास्ट ऑफ फॉर्मेटिक सेल, आंसर यहाँ पर वन का आंसर सी सही होगा, नियोब्लास्टिक। न्यूब्लास्टिक और फार्मेटिक सेल्स के कारण रीजनरेशन पावर होती है प्लेन एरिया में।
सीलिएटेड इपिडर्मल इज फाउंड इन प्लेनेरिया यानी ड्यूजेसिया, जो कि लोकोमेट्री ट्रक्चर में फायदा वो हेल्प करती है। रैबडिडाइट और रैबडिडाइट आर फाउंड इन, रैबडिडाइट यहाँ पर और प्लेन एरिया में पाई जाती है। प्लेटी हेलमिंथीज हेलमिंथ हेलमिंथ बीच लाइव इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर प्लेटी हेलमिंथीज है। हेलमिंथ टीनिया वो यहाँ पर डुजेसिया है। टीनिया तो इंडो पैरासाइट है। सिस्टोड्स रेबडिडाइट अकर इन द एपिडर्मिस ऑफ, रेबडिडाइट यहाँ पर टोबलेरियन थे, जो कि फाइव का आंसर एक होगा टोबलेरियन यानी डुजेसिया या प्लेनेरिया। इसोफेगस लीड टू इंटेस्टाइन, इसोफेगस हैड वो इसोफेगस लीड इन टू इंटेस्टाइन, तो इसोफेगस है जो कि इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन है जो कि इसोफेगस जो कि वो इंटेस्टाइन का मार्ग बनाती है। तो वह यहाँ पर कौन सा है प्रदर्शित करती है, सिक्स का सी होगा प्लेनेरियन, प्लेनेरिया है जो कि इसोफेगस ओपन इन टू द इंटेस्टाइन। सेफेलाइजेशन फाउंड इन, सेफेलाइजेशन किस में पाया जाता है, प्लेनेरियन में पाया जाता है। कोकन फार्मेशन अकरिंग, तो कोकन किस में बनते हैं, डुजेसिया में ही बनते हैं और फ्रेटिमा एर्थबाम में कण बनते हैं, तो यहाँ पर तो एर्थबाम है नहीं, यहाँ पर डी होगा जो कि प्लेटी एलिमेंटीज एम सी क्यू चल रही है। रीजनरेशन पावर कैन बी स्टडीड इन, रीजनरेशन पावर किस में पाई जाती है, डुजेसिया प्लेनेरिया में अध्ययन किया गया। आई आर प्रेजेंट इन, तो आई किस में पाई जाती है, डुजेसिया में पाई जाती है, टू पे वन पेयर आईज। प्लेनेरियंस आर, तो प्लेनेरियंस यहाँ पर ग्रेगरिया ऑफ्स यानी ग्रुप में रहते हैं प्लेनेरियंस। रीजनरेशन और रीजनरेशन कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एस एज, तो यहाँ पर होगा रिप्लेसिंग लास्ट पार्ट, रिप्लेसिंग रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट यानी जो बॉडी के अंग यहाँ पर जो ख़राब हो गए या कैसे भी मतलब ख़त्म हो गए, तो वहाँ उनका दोबारा डेवलपमेंट होना ही रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट कहलाता है। लास्ट तो आंसर डी सही हुआ, सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पर रीजनरेशन पावर का, आंसर डी सही होगा। पेरिनिक्स कैन बी इन्वर्टेड इन, तो पेरिनिक्स इन्वर्टेड होते हैं प्लेनेरियन में। फेसियोला हिपेटिका, हिपेटिका द शीप लीवर फ्लो, यहाँ पर दूसरा एनिमल है फालम प्लेटी एलिमेंटी का, जो कि इसका क्लास ट्रेमेटोडा है। पेसियोला हिपेटिका सिस्टमेटिक पोजीशन, ट्रेमेटोड बिलोंग टू द क्लास ट्रेमेटोडा, दैट आर ऑल पैरासाइट, दे आर कॉमन कॉल्ड द फ्लैटवर्म और फ्लेक्स अनगो सक्शन फ्लो फ्लैट ऑन द अकाउंट ऑफ देयर फ्लैट लीफ लाइक फॉर्म, फ्लेक्स इनहेबिट लीवर एंड बाइल डक्ट बटीवेट लाइक द कैटल सीप गोट रैबिट पिग डॉग एंड मैन। फेसियोला हिपेटिका इज द कॉमन लीफ फ्लो लीवर फ्लो ऑफ सीप, फेसियोला जिंगेगेटा द लीवर फ्लो ऑफ द कैटल इन हाउ एवर मोर सिमिलर स्पीसीज इन इंडिया। तो यहाँ पर यहीं तक पढ़ेंगे और ख़ास चीज़ें हमें पढ़ना है। फेसियोला हिपेटिका सिस्टमेटिक पोजिशन, इसका फाइलम यहाँ पर प्लेटी हेमिंथीज है।
और ट्रेमेटोडा क्लास है, फाइलम प्लेटी एलिमेंती, ऑर्डर डोजेसिया, फैमिली फैसियो ओलिडी, फैसियोला जीनस, स्पीसीज हिपेटिका। यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर है फैसियोला हिपेटिका या सीप लीवर फ्लूक। यहाँ पर ये माउथ है, ये ओरल सकर और एंटीरियर सकर पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला जी ओरल सकर या एंटीरियर सकर कहा जाता है। ये ओरल ग्रूव है, गोनोपोर है, एसिट्यूबुलम आर दस पोस्टीरियर सकर। तो एक सकर ये पाया जाता है, एक दो सकर पाए जाते हैं फेसियोला हिपोटिक में। जो नेक्स्ट आगे जो पाया जाता है बॉडी के हेड, यहाँ पर जो फ्रंट इंटीरियर कहलाता है सकर, और थोड़ा उसके जो पीछे पाया जाता है उसे एस्टिबुलम आर द पोस्टीरियर सकर कहलाता है। यानी दो टू सकर पाए जाते हैं फेसियोला हाइपोटिका में। यहाँ पर ये गोनोपोर है, एस्क्रेटरी पोर। लाइफ साइकिल है फेसियोला हाइपोटिका की, जिसमें यहाँ पर लार्वा फॉर्म है। पूछे जाते हैं कि दो फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा यहाँ पर पहला तो सरकरिया हो गया, उसके बाद मेटा सरकरिया। प्राइमरी होस्ट सीप है, सेकेंड स्नेल है जो कि यहाँ पर सेकेंडरी स्नेक है। प्राइमरी यहाँ पर सीप है, फ्री स्विमिंग लार्वा बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला होगा मेटा सरकेरिया और सरकेरिया, फ्री स्विमिंग लार्वा यहाँ पर सरकेरिया एंड मेटा सरकेरिया। मेरासीडियम यहाँ पर फ्री स्विमिंग मेरासीडियम और सर्केरिया लार्वा, दो लार्वा हैं यहाँ पर जो फ्री स्विमिंग करते हैं। इन स्नेल को जो फ्लैग स्नेल को इन्फेक्ट करता है वो मेरासीडियम है, जो कि सेकेंडरी होस्ट है। फेसियोला का सेकेंडरी होस्ट स्नेल है। प्राइमरी सीप है जो कि इन्फेक्ट करती है मेटा सर्केरिया। तो प्राइमरी को इन्फेक्ट करता है मेटा सर्केरिया लार्वा और सेकेंडरी को यहाँ पर मेरासीडियम। और पूरे लार्वा यहाँ पर सभी लार्वा हैं इसके पिनियासोलियम में, सभी लार्वा टोटल हैं यहाँ पर। ऐसे हम याद कर सकते हैं मिस मिस यानी मिस आर सी एम यानी मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और रेडिया। मेरा सी डी एम यहाँ पर पहला होगा आर सी एम आई से यहाँ पर होगा मिस, आई साइलेंट है तो एम एस आर सी एम। तो यहाँ पर कितने लार्वा हैं, पहला मेरा सी डी एम वाई स्पोरोसिट रेडिया सरकेरिया मेटा सरकेरिया। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच लार्वा हैं इसके जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्राइमरी होस्ट को मेटा सर्केरिया और सेकेंडरी हेड करो और सेकेंडरी जो होस्ट है स्नेल उसे यहाँ पर मेरा सी डी एम लार्वा इन्फेक्ट करता है। प्राइमरी को प्राइमरी सीप है उसे मेटा सर्केरिया इन्फेक्ट करता है। एडवांटेज एक बार यहाँ पर लाइफ साइकिल इसकी और देख लें। चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे हम। एडवांटेज लार्वा लिटेज, तो एडवांटेज लार्वा लिटेज यहाँ पर मेरासीडियम एंड सरकेरिया है जो कि दोनों फ्री स्विमिंग है। मेरासीडियम यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट का स्नेल को प्रभावित करती है और सरकेरिया यहाँ पर सीप को, वो मेरा सी डी मेटा सर्किया सेप को इन्फेक्ट करती है जो कि प्राइमरी होस्ट है। मेरा सी डी एम एंड सर्किया बींग फ्री लाइव लार्वी एक्सपेक्ट द मोर एडवांटेज फीचर देन द अडल्ट विच हैज अंडरगो डिजनरेशन इन मैरी एक्सेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पैरासाइट ऑफ लाइफ।
मैरासीडियम और सर्केरिया लार्वा हैं जो कि एडल्ट में उनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जो इन दोनों लार्वा में पाए जाते हैं। जो कि यहाँ पर लक्षण वो कैरेक्टर्स इसके हैं, कैविटी, लोकोमोटरी आर्गन, सेंस आर्गन्स एंड ए सेलुलर एपिडर्मिस। कैविटी जो एडल्ट में नहीं पाए जाते, लार्वा में पाए जाते हैं, कैविटी पाई जाती, लोकोमोटरी आर्गन, सेंस आर्गन्स एंड सेलुलर एपिडर्मिस जो कि एडल्ट में नहीं पाई जाती है, यहाँ पर विशेषता है। एमसीक्यू यहाँ पर हमें फैसियोला मेरासीडियम डेवलप इनटू द नेक्स्ट स्टेज इनसाइड। तो यहाँ पर जो मेरासीडियम है, जो कि मेरासीडियम है जो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, सेकेंडरी होस्ट है पाइला ग्लोबोसा, प्राइमरी होस्ट शीप है जिसे मेटासर्किया इन्फेक्ट करता है। आंसर सी सही होगा पहले का। इनफेसियोला मेरासीडियम डेवलप इनटू द नेक्स्ट स्टेज इनसाइड, जो फैसियोला मेरासीडियम की नेक्स्ट स्टेज है बता रहा है किसमें डेवलप होता है। प्लेनो ऑर्बिस, प्लेनो ऑर्बिस एंड द लेमिना आर द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट बता रहा है नेक्स्ट स्टेज है जो कि मेरासीडियम की डेवलप होती है यहाँ पर लेमिना एंड ट्रेनिकुलेटा। प्लेनो ऑर्बिस एंड द लेमिना आर द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ, तो प्लेनो एंड लेमिना यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट है फैसियोला का। बीच आर इन्फेक्टिव स्टेज आप प्राइमरी होस्ट आप फैसियोला, तो इन्फेक्टिव स्टेज है जो प्राइमरी होस्ट को मेटासर्गेरिया इन्फेक्ट करता है, सेकेंडरी होस्ट को मेरासीडियम। वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज आप फैसियोला लव डज, फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवलर लार्वी, तो कौन सा बता रहा लार्वल स्टेज जो सेवलर लार्वी नहीं प्रोड्यूस करता है, डी होगा सर्गेरिया। विच लेयर ऑफ डिजेसिया कंटेन रेबिडाइड, रेबिडाइट्स तो आंसर फाइव का ए हो जाएगा, एपिडर्मिस में रेबिडाइट्स पाई जाती है। मेरासीडियम इज वन ऑफ द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो मेरासीडियम जो कि सेकेंड लार्वा को वो सेकेंड स्टेज है यहाँ पर इन्फेक्ट करने वाली, सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट करता है वो मेरासीडियम, यहाँ पर सेकेंड स्टेज को प्रभावित करती है वो है किसमें यहाँ पर फैसियोला हाइपोटिकम जो कि सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है। इन्फेसियोला द रेगन और रीजन वेयर द सेल ग्लैंड ओपन इन टू द फैसियोला हाइपोटिका बता रहा है जब रीजन वेयर द सेल ग्लैंड ओपन, सेल ग्लैंड ओपन होती है यहाँ पर, तो वो कौन सा स्थान है, बिटेलाइन, ओवी बिटेलाइन, ओवी बिटेलाइन डक्ट। फैसियोला हाइपोटिका इज द पैरासाइट दैट लिव इन द लीवर ऑफ सिप। इन्फेसियोला द टर्म जर्म सेल ऑफ रेडिया गिव राइज टू, इन द फैसियोला जर्म सेल ऑफ द रेडिया गिव राइज टू, नाइन का सी होगा डॉटर एंड मेटासेरिया, जो कि फैसियोला जर्म सेल है रेडिया, रेडिया जो है वो और दूसरे रूप में चेंज होते हैं, रेडिया ही डेवलप हो जाते हैं डॉटर मेटासेरिया में, डॉटर मेटासर्केरिया में रेडिया ही चेंज होते हैं। लीवर फ्लूक इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंजाइम ऑफ होस्ट बिकॉज,
यहाँ पर क्यूटिकल के कारण, क्योंकि पैरासिटिक अडेप्टेशन पाया जाता है। पैरासिटिक अडेप्टेशन के कारण लीवर फ्लू डज नॉट इफेक्ट बाय द एंजाइम ऑफ होस्ट बिकॉज ऑफ टेन का यहाँ पर एक सही हुआ क्यूटिकल के कारण, क्योंकि क्यूटिकल की इस पर यहाँ पर एंजाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पैरासिटिक अडेप्टेशन क्यूटिकल में पाया जाता है, कोई भी एंजाइम क्यूटिकल पर काम नहीं कर पाता है। द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक व्हेन इट द इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट, द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर लीवर फ्लू व्हेन इट इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट को कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है? प्राइमरी को मेटासर्गेरिया और सेकेंडरी हब्स को मेरासीडियम। तो लाइफ हिस्ट्री में बता रहा है कि इन्फेक्ट प्राइमरी होस्ट मेटासर्गेरिया यहाँ पर प्रभावित करती है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कौन सा है, एम एस आर सी एम, उसके बाद एस्पोरोसिट है, तो 11 का यहाँ पर भी होगा MSRCM, यानी लीवर फ्लू के जो कि सेकेंड प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट की सर्केरिया और मेटासर्केरिया। तो यहाँ पर मेटासर्केरिया तो है नहीं, सर्केरिया है वो यहाँ पर जो लीवर फ्लू को है उसमें सर्केरिया प्रभावित करते हैं, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। तो यहाँ पर मेटासर्केरिया नहीं है तो सर्केरिया लगेंगे हम। बिच स्टेज ऑफ लीवर फ्लू इन्फेक्ट द इंटरमीडिएट होस्ट, तो इंटरमीडिएट होस्ट को यहाँ पर यानी सेकेंडरी होस्ट लीवर फ्लू का स्नेक है, स्नेल है, स्नेल का यहाँ पर मेरासीडियम होगा आंसर, सी होगा सही। फारा का सी होगा सही। यहाँ पर प्राइमरी होस्ट ऑफ पैथियोला हाइपर्टिका प्राइमरी होस्ट सी पर, यहाँ पर सेकेंडरी पिग और सेकेंडरी और स्नेल है जो कि है नहीं यहाँ पर। फार अटैचमेंट फैसियोला हैज, जो अटैचमेंट के लिए यहाँ पर फैसियोला में कभी टी जी टी 2021 में आया था कि फैसियोला में कितने सकर्स पाए जाते हैं, तो 2 सकर्स पाए जाते हैं फैसियोला में, एक यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर को ओरल सकर कहते हैं और पोस्टीरियर को कहते हैं एसिट्यूबुलम या पोस्टीरियर सकर। तो यहाँ पर 2 सकर पाए जाते हैं, आंसर बी सही होगा 14 का, यही को यहाँ पर 2021 में आया था टीजीटी का क्वेश्चन, टीजीटी बायोलॉजी 2021। करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लार्वा स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पैथियोला इज, यहाँ पर लार्वल स्टेज को ध्यान रखने की, हमें लार्वल स्टेज को जो क्रम है उसको ध्यान रखने के लिए हमें सिक्वेंस, ये हमारा एक ट्रिक है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है फिलहाल, मैं ऐसे ही याद से याद कर सकता हूँ। पहला यहाँ पर जो कि मैंने पहले भी वीडियो है बनाया था उसमें टोटल MCQ थे, फाइलम प्लेटी इलेवन थी, वो नहीं देखा तो देख ले। तो MSRCM, तो MS यहाँ पर 2 M हैं, एक यहाँ पर मिस वाला है, एक है E वाला, एक ME वाला है, एक I वाला, तो I साइलेंट है उसमें, मैंने I नहीं लगाया था, इसमें I लगा रहा हूँ। MS I साइलेंट है, MSRCM, तो एम से यहाँ पर मेटा मेरासीडियम यानी मिस से, MI से आई साइलेंट है यहाँ पर, MSRCM सब ध्यान रखेंगे, आई लिखेंगे भाई, आई लिखेंगे मगर ध्यान रखेंगे हम आई साइलेंट है, यहाँ पर ध्यान करने के लिए MSRCM बोलेंगे, MSRCM। एम से है मेरासीडियम, एस से स्पोरोसिट, MSRCM,
आप देख लें ये क्रम किस में मिल रहा है, यानी आई से है, आई साइलेंट है मगर आई एम के साथ है। एम एस आर सी आर सी एम एम एस आर सी, यहाँ पर सी जो है एम एम एस आर सी एम, यहाँ पर जो एम आई है, यहाँ पर मेरा सी डी एम इसका नाम है, एम आई आई साइलेंट है, स्पोरोसिट एस से आर से रेडिया, सी से सर्केरिया और यहाँ से एम से मेटा सर्केरिया। तो यहाँ पर क्रम किस में मिल रहा है, यहाँ पर दूसरे में मिल रहा है एम एस आर सी उसके बाद एम, तो आंसर बी सही होगा हमारा, एम एस आर सी एम, एम एस आर सी एम आंसर बी सही होगा 15 का। पंद्रह का सी आंसर सही होगा। इन फेसियोला जर्म से बाल ऑफ रेडिया गिव राइज टू, तो जर्म बाल जो है गिव राइज किस में होती है, डाटा सर्केरिया। दोबारा यहाँ पर बन चुका है क्वेश्चन ये, अभी ऊपर भी बना क्या क्वेश्चन ये 16 का, जर्म बाल यहाँ पर जर्म सेल थी, वहाँ पर जर्म सेल से क्या डेवलप होता है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला सवाल था ये क्वेश्चन। फैसियोला जर्म सेल ऑफ द रेडिया गिव राइट टू डाटर, डाटर सर्केरिया था 9 का, ए जो ए था वो 9 का यहाँ पर था डाटर रेडिया, जो जर्म सेल्स ऑफ रेडिया गिव राइट टू डाटर, वो डाटर रेडिया था, आंसर सी था 9 का, जो जर्म सेल रेडिया गिव राइट टू डाटर रेडिया। और यहाँ पर जर्म बाल, ये दूसरा क्वेश्चन है, जर्म बाल ऑफ फैसियोला पेटिका गिव राइट टू, यहाँ पर ये दूसरा है एमसीक्यू, द फैसियोला जर्म बाल ऑफ रेडिया गिव राइट टू, तो जो फैसियोला जर्म बाल ऑफ रेडिया गिव राइट टू, जर्म बाल रेडिया को यहाँ पर होगा गिव राइट टू डाटर रेडिया, आंसर यहाँ पर 16 का सी होगा। दो तरीके से घुमा कर क्वेश्चन बनाया दिया यहाँ पर था, पहले यहाँ पर बाल, पहले जर्म, इसमें जर्म बाल, उसमें जर्म सेल कहा था, तो दोनों से डाटर रेडिया ही डेवलप होगा। विच ऑफ द इनफेक्स हाउस स्टेज सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैसियोला, तो कौन सा लार्वा है बता रहा है जो कि सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, बार बार मैंने बताया था मेरा सी डी एम प्राइमरी होस्ट को मेटासर्केरिया। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा फैसियोला, तो मैंने बताया था एम एस आर सी एम, तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट यहाँ पर जो लार्वा है, लार्वल क्रम के हिसाब से यहाँ पर एम एस आर सी एम चलेंगे, तो लार्वा का पहला यहाँ पर एम एस, जो कि मैंने बताया था एम एस आई साइलेंट है, एम एस आर सी एम, तो एम एस यहाँ पर हो मेरा सी डी एम, क्योंकि यहाँ पर जो आई है आई एम के साथ है, आई साइलेंट है, पहला ही हो जाएगा यहाँ पर 18 का। प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर्म द फंक्शन इन प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट, यहाँ पर जो है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम करती है, जो कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है फैसियोला हिपोट्रिका या प्लेटिलमिंथीज का, आंसर सी सही होगा 90 का, दोनों एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये, फिलामसेल भी सोलेनाइट और फिलामसेल प्रोटोनेफ्रिडिया, ये सारे स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन और रेगुलेशन के लिए हैं, तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए बहुत। फैसियोला यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसमें
20 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा, फरिंजियल ग्लैंड। द काज ऑफ लीवर रट इन सीप, तो फैसिओला के कारण यहाँ पर जैसे सीप टेप बाम कहते हैं, सीप लीवर फ्लू। लीवर फ्लूक बिलोंग टू द क्लास ट्रेमेटोड, वो ट्रेमेटोड है यहाँ पर, ट्रेमेटोड कन्फ्यूज करने के लिए ट्रेमेटोड लिख दिया, ट्रेमेटोड क्लास है इसका, ट्रेमेटोडा टीनिया का सिटोडा है। तो आंसर डी सही होगा, 22 का। लाट को यहाँ पर फैसिओला का लाट क्वेश्चन है ये, बीच ऑफ द फॉलोइंग बीच वन इज नॉट लार्वर टेज ऑफ फैसिओला, तो कौन सी यहाँ पर सरकेरिया है, वो सिस्टी सर्कस जो कि ब्लेडर वार्म है, टीनिया का लार्वा ये, और आंसर एक सही होगा। अब टीनिया पर चलेंगे, टीनिया सोलियम द पार्क टेप वार्म, सिटोड बिलोंग टू द, यहाँ पर जो टीनिया सोलियम इसका क्लास सिटोड है, सिटोड बिलोंग टू द क्लास सिटोडा, फाइलम प्लेटिलिमेंटीज आर द एक्सेसुअली इंडोपैरासाइट, दे डिफर फ्रॉम द टुबरेलिन एंड द टर्मेटोड इन द टोटल अब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर सिस्टोड कहा जाता है इसे, ट्रैक्ट। दे आर द कॉमनली नाउन द टेप वर्म्स फॉर द लॉन्ग फ्लैट एंड रिवन लाइक फॉर्म जीनस टेनिया इंक्लूड द सेवरल स्पीसीज पैरासाइटिक मैन एंड द डोमेस्टिक एनिमल, कॉमन एग्जाम्पल आर द टीनिया सोलियम द टा द पॉक टेप वर्म एंड द टीनिया सेजिनेटा द बीफ टेप वर्म, दो स्पीसीज हैं टीनिया सोलियम की। द प्रेजेंट टेक्स्ट नेक्स्ट मोस्टली रिलेटेड टू टोनियस टीना सोलियम पॉक टेप वर्म ऑफ मैन, सिस्टमेटिक पोजीशन है टीनिया सोलियम की यहाँ पर, फाइलम प्लेटिलेमिंथी था, क्लास सिटोडा था, और सब क्लास यहाँ पर यू सिटोडा, ऑर्डर यहाँ पर टीनियो आइडिया, टीनियो आइडिया है, फैमिली यहाँ पर टीनिडी, जीनस टीनिया, स्पीसी सोलियम, यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर है टीनिया सोलियम का, यहाँ पर ग्रेविड प्रोलोरेटेड स्ट्रक्चर है, या फिर मैच्योर, ये अपन यंग, ये यंग प्रोलोगेटेड है, ये मैच्योर प्रोलोगेटेड है, ये यंग प्रोलोगेटेड, और यहाँ पर ग्रेविड प्रोलोगेटेड, ग्रेविड प्रोलोगेटेड मीन्स होता है फर्टिलाइज्ड एग फिल्ड विद ब्रांचड यूट्रस, तो ग्रेविड प्रोलोगेटेड को कहते हैं जिसमें फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हों ब्रांचड यूट्रस में, ये सोलेक्स है, यहाँ पर ये स्कोलेक्स, नेक ऑफ प्रोलीफिकेशन या सिफेलियाइजेशन इमेचर प्रोलेटेड, स्टोबिला है यहाँ पर, जो स्टोबिला इससे यहाँ पर सिफेलियाइजेशन होता है जिसे खंडी ओवन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट आ गया है कि यहाँ पर कितने क्या रो पाए जाते हैं, तो टू रो पाए जाते हैं, एक वन है एक नीचे है एक ऊपर, यहाँ पर टू रोस ऑफ हॉक्स जिसे रोस्टेलम कहते हैं, ये गोल वाला रोस्टेलम है, दो चक्कर हैं इस तरीके से, और दोनों में यहाँ पर ये हॉक्स पाए जाते हैं इस तरह से, तो टू रोस, और यहाँ पर दो टू रोस हैं, यहाँ पर रोस मीन्स हो ये चक्कर, यहाँ पर एक गोला, दोनों दो टू रोस ऑफ हॉक्स, और दोनों रो में ये हॉक्स पाए जाते हैं जो मैं बना रहा हूँ ये, और यहाँ पर एक दो तीन चार ये पाए जाते हैं, इसे कहते हैं सकर्स, फोर सकर्स, एक दो तीन, और एक यहाँ पर उसके पीछे होगा वो नहीं दिख रहा, चार, तो चार हॉक्स हैं और चार सकर्स हैं और टू रोस हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये इसे स्कोलेक्स कहते हैं, और नेक या सोइंग इटोबिलाइजेशन, यहाँ पर ग्रेविड प्रोलेटेड यहीं से बनते हैं, ग्रेविड प्रोलेटेड, ग्रेविड प्रोलेटेड, और फिर बाद में ग्रेविड प्रोलेटेड, ग्रेविड को प्रोलेटेड कहते जब कहेंगे, ग्रेविड को यहाँ पर ग्रेविड प्रोलेटेड जब कहेंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेटेड एग फिल्ड विद यूट्रस, तो उसको करेंगे ग्रेविड प्रोलेटेड। यहाँ पर माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये दोनों, तो यहाँ पर चार ये बड़ा वाला हॉक्स
रोस्टेलम है। इसमें ये हुक तरीके के स्ट्रक्चर हैं, हुक पाए जाते हैं, लार्ज हुक्स, स्मॉल हुक्स, टू रोस ऑफ हुक्स, दो रो पंक्तियाँ होती हैं हुक्स की। यहाँ पर ये बड़े टेक्चर करके बनाए गए ब्लेड है, हैंडल ब्लेड, बेस हैंडल, स्मॉल हुक्स, टीनियस ओलियम, स्कोले, नेक, साइड व्यू, होलेक्स इन द फेस व्यू, स्मॉल हुक्स। ये सारा बड़ा टेक्चर माइक्रोस्कोप का है। ये लाइफ साइकिल है टीनियस ओलियम की। लाइफ साइकिल में हमने देखा कि प्राइमरी वस्टमैन है, सेकेंडरी यहाँ पर पिग है, और जो मैन को इन्फेक्ट करता है वो यहाँ पर अडल्ट टेप बाम है, और लार्वा है जो पिग को इन्फेक्ट करता है। जो सिटी सर्कल लार्वा है वो मैन को इन्फेक्ट करता है, और यहाँ पर हेक्जाकेंथ है, वो हेक्जाकेंथ जो यहाँ पर पिग को इन्फेक्ट करता है, सिटी सर्कस मैन को इन्फेक्ट करता है। द स्मॉल टेप बाम इज, तो सबसे छोटा टेप बाम है इकाइनोकोकस, सबसे छोटा यहाँ पर टेप बाम बता रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर मौनी मोनीजिया है। द टीनिया आकर्ष, और सबसे छोटा यहाँ पर प्लेटिलमिंथी इकाइनोकोकस था। इन टीनिया क्रॉस द फर्टिलाइजेशन बिटवीन डिफरेंट फ्रोगलेटेड ऑफ सेम इंडिविजुअल एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आंसर यहाँ पर वो दूसरे का सेल फर्टिलाइजेशन होगा। द स्मॉल टेप बाम इकाइनोकोकस था, और इन टीनिया क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन इंडिविजुअल और डिफरेंट प्रोगलेटेड सेम इंडिविजुअल अकर, दिस इज कॉल्ड सेल फर्टिलाइजेशन। टेप वाम विद द अनडिवाइडेड बॉडी विदाउट द हुक सोलेक्स एंड लार्वा एलिक्री दिस इज सब क्लास। सो यहाँ पर टेप वाम बता रहा है जो अनडिवाइडेड विदाउट द हुक सोलेक्स एंड लार्वा निकली सब क्लास। टी होगा यहाँ पर सिटोर्स। टीनिया बिलोंग टू द ऑर्डर, टीनिया यहाँ पर किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? यहाँ पर जो कि टीनियडी था, और यहाँ पर टीनियडी की जगह पर साइक्लोफाइलिडी आइडिया दिया है, टीनो आइडिया द साइक्लोफाइडिया। ये प्रोगलेटेड इज कॉल्ड द ग्रेविट प्रोगलेटेड बाय द हैज बोथ। यहाँ पर जो प्रोगलेटेड है जो उसे ग्रेविट प्रोगलेटेड कब कहा जाता है? जब यहाँ पर ब्रांचड यूट्रस फिल्ड विथ ब्रांचड यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग। इंटीनिया सोलेक्स बियर द मिडिल प्रोमिनेंट, तो जो सोलेक्स हैं जो मिडिल प्रोमिनेंट क्या पाए जाते हैं? सिक्स का सी होगा यहाँ पर रोस्टेलम, जो मिडिल प्रोमिनेंट पर वहाँ पर रोस्टेलम पाया जाता है। इंटीनियस ओलियम द प्रोक्सीमल पार्सन ऑफ द ओविडक्ट दैट लीड टू द वेजाइना इज कॉल्ड। इंटीनियस ओलियम प्रोक्सीमल पार्सन ऑफ द ओविडक्ट लीड टू द वेजाइना इज कॉल्ड। सेवन का ये हो जाए रिसेप्टिकुलम सेमिनाइस, रिसेप्टिकुलम सेमिनाइस। हु आर द मोर लाइकली टू गेट टेप वर्म, तो यहाँ पर जो कि बता रहा है इनमें से कौन है जो कि टेप वर्म की तरह है। एट का भी होगा यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है, जिसे टेप वर्म हो सकता है, टेप वर्म बीमारी या टेप वर्म इन्फेक्टेड हो सकता है टेप वर्म से। मीट खाने वाला जो शुगर का
ब्लेडर वर्म इज फाउंड इन, तो ब्लेडर वर्म किस में पाया जाता है, जो सेट्टी सर्कस है, तो यहाँ पर मसल्स ऑफ काउ और पिग दोनों में हो सकता है। द टेप वर्म इन्फेस्टिंग इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल ऑब्टेन देयर न्यूट्रीशन, तो जो टेप वर्म है अपना न्यूट्रीशन किस तरीके से अपने होस्ट से प्राप्त करता है, यहाँ पर होगा आंसर डी सही होगा। वो डी का वो यहाँ पर डी होगा, बाय द अब्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड लिक्विड थ्रू देयर इंटेगमेंट, अपनी जो सरफेस से लेगा, यहाँ पर होस्ट की सरफेस से लिक्विड फूड है उसे अब्सॉर्ब करेगा। ग्रेविड पोलेटेड एप्टीनिया है जी, वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यहाँ पर दोनों होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 11 का सी होगा यहाँ पर, वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द डिजेनरेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेल डेवलप्ड यहाँ पर जो ग्रेविड पोपुलेटेड हैं, तो ग्रेविड पोपुलेटेड वो यहाँ पर वो प्लेस होता है जहाँ पर यूट्रस होती है जो फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग, तो उसमें होता है यहाँ पर। वेल डेवलप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द डिजेनरेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आंसर बी सही होगा 11 का। सिट्टी सरसोस सर्कोसिस इज द डिसीज काज्ड बाई एक्सीडेंटल इन्फेक्शन ऑफ ब्लेडर वार्म ऑफ टीनिया, ब्लेडर वार्म को ही सिट्टी सर्कल कहते हैं। एरिया फॉर द प्रोलीफिकेशन इन टीनिया इज, तो नेक होता है यहाँ पर प्रोलीफिकेशन, यहाँ पर सो जैसे ग्रेविड प्रोलेटेड बनते हैं सेगमेंट। अपोलाइसिस प्रोसेस इज टीनिया फॉर द अपोलाइसिस रेगुलर डिटेच ऑफ द प्रोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रोबिला, मतलब जो सिर से जो खंडी भवन होते हैं यहाँ पर जो खंड बनते हैं ग्रेविड प्रोलेटेड के, उसको अलग होने की प्रक्रिया को तो उसे कहते हैं स्ट्रोबिला से अलग होते हैं बनते हैं यहाँ पर सेगमेंट ग्रेविड प्रोलेटेड के सेगमेंट, तो उसे कहते हैं अपोलाइसिस। सकर्स, तो इसका क्या था आंसर, पहला ही सही था 14 का पहला, ए सकर इन द टेप बाम, तो यहाँ पर निशान लगा दें, ध्यान है नहीं लगाया कि लगाया, सकर इन द टेप बाम फॉर्म विंड फार्म, जो सकर हैं वो टेप बाम के किस काम के लिए, तो अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइनल बाल, जो होस्ट की जो इंटेस्टाइन है उसे अटैच होने की जुड़ने के लिए चिपकने के लिए यहाँ पर पाए जाते हैं सकर्स। सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज, सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर पहला पहला होस्ट सीप है, सेकेंडरी यहाँ पर स्नेल है, तो पहला सेकेंडरी स्नेल है, पहला सीप है सेकेंडरी स्नेल है, तो यहाँ पर सेकेंडरी पूछ रहा है, इंटरमीडिएट को सेकेंडरी होस्ट कहते हैं जो कि स्नेल है, वो टीनिया का यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट पिग है, पहला यहाँ पर मैन था, तो आंसर 16 का एक हो जाएगा। टीनिया लाक टीनिया में नहीं पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज, वो डाइजेस्टिव सिस्टम आंसर एक सही होगा 17 का, जिससे सिट्रोडा हैं जितने भी उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टीनिया, टीनिया यहाँ पर इंडो पैरासाइट है, तो इसका एस्केरेटिव प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया एंड फैटी एसिड। लार्वा फॉर्म ऑफ द टीनिया इज, तो टीनिया की यहाँ पर कौन सी लार्वा है वो फॉर्म है,
चीनिया का यहाँ पर है सिटी सर्कल लार्वा या ब्लेडर बाम। हेक्साकेंथ और सारे यहाँ पर लार्वा हैं, तो आंसर डी सही होगा। इन बीच फार्म द टेनिया पाथ थ्रू द फीसल मैटर ऑफ मैन, तो यहाँ पर किस कौन सा लार्वा फीसल मैटर से प्रोड्यूस होता है मैन की, तो यहाँ पर होगा ऑन्को स्पोर, जो कि हेक्साकेंथ कहते हैं, उसे पिग को इन्फेक्ट करता है। जो पिग रिक्वायर द इन्फेक्शन ऑफ टीनिया बाई इजीशन ऑफ हेक्साकेंथ, जिसे ऑन्को स्पोर कहते हैं, ऑन्को स्पोर है तो ऑन्को स्पोर लगाएं। आंसर एक सही होगा, किसका? ऑन्को स्पोर। सिटी सर्कस इन पिग बसल्स कैन रिमेन फॉर सेवरल ईयर, तो सिटी सर्कस है जो कि शुगर की मसल पे भी पाया जाता है, कितने दिन तक उतार जीवित रहेगा, तो कई सालों तक। टीनिया सजीनिटा कॉमनली नाउन एज बीप टेपवर्म, अनआर्म्ड टेपवर्म बीज, तो अनआर्म्ड मतलब जिसके सोलेक्स नहीं पाए जाते हैं चिपकने के लिए, तो मैं कौन सा है? तो टीनिया सेजिनेटा है, जिसमें आर्म मतलब ऑक्स नहीं पाए जाते हैं, तो उसे अनआर्म टेप बाम कहते हैं। द इंसेस्ट मैन ऑफ ब्लेडर बाम अकर इन द मैन इज, इंसेस्ट मैन ऑफ ब्लेडर बाम अकर इन मैन, तो इंसेस्ट मैन जो ब्लेडर बाम है अकर, जो कि मैन में होता है, कौन सा है? ब्लेडर बार्म इंसेक्ट मैन इन ब्रेन। टीनिया इज इंसेक्ट मैन ऑफ ब्लेडर बार्म अकर इन द मैन, किस पार्ट में मैन के इंसेक्ट मैन ब्लेडर बार्म बनता है? तो यहाँ पर ब्रेन में बनता है इंसेक्ट मैन। टीनिया इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। टीनिया डज नॉट सो लोकोमोशन बीकॉज इट हैज, टीनिया सकर एंड हुक फॉर द अटैचमेंट। शेडिंग ऑफ प्रोगलेटिड इन टेपवर्म इज कॉल्ड अपोलाइसिस। शेडिंग ऑफ प्रोगलेटिड मतलब प्रोगलेटिड का अलग होना, जो कि हेड से प्रोगलेटिड बनते हैं, तो उसे अपोलाइसिस कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इन द टेपवर्म इज अब्सेंट। टेप क्योंकि यहाँ पर सेटोड हैं सारे सेटोड, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है इन्होंने। टेप बाम हैज नो एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज इट अब्सर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट। कॉपुलेशन इन टीनिया अकर बिटवीन टू पोलेटिड्स। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट पर टाइम टीनिया, टीनिया के बारे में कौन सा सही है बता रहा है? लाट क्वेश्चन है स्पिरिटी सेट का, प्लेटी एलिमेंट्रीज एनिमल वाइज एमसीक्यू, सी सही होगा। आर प्रोलेटेड कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया हो भी तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।